पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव, मैं वेद सिंह। जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव का माहौल है, और इस बीच अगर बात की जाए चुनाव माहौल की, तो चुनाव माहौल में बातें तो बहुत तरह की होती है। इस बीच एक बात हमारे सामने नजर आ रही है बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी के द्वारा। तो पहले तो आप चलिए, पहले मैं आपको विजुअल्स के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ कि उन्होंने मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी, पुष्कर में जो कहा है वह ठीक ही कहा है। भ्रष्टाचार से कोई समझौता वो नहीं कर सकते हैं, वो इसका रिजल्ट दिए हैं। इस देश में कांग्रेस पार्टी के शासन में भ्रष्टाचार इस देश को खोखला कर दिया, खा गया, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचार को रहने नहीं देंगे। विकास होगा, शिक्षा होगा, स्वास्थ्य होगा, दवाई होगा, और गरीबों की पढ़ाई होगा, रोजगार होगा। भ्रष्टाचार का इस देश में कोई नामो निशान नहीं होगा। और अगला कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, और दुनिया में तृतीय विकसित देशों के श्रेणी में खड़ा होगा भारत। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि अरविंद कुमार सिंह जी ने किस तरह से मोदी जी का व्याख्या करते हुए कहा कि जो मोदी जी ने जो पुष्कर में कहा था कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और कहीं ना कहीं इस बार भारत में भ्रष्टाचारियों को कोई जगह नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं इस बार जो भाजपा है वो लगातार हर मुद्दों पर अच्छे से ध्यान देगी। तो ये तो हो गई उनकी एक बातें, और अगर बात की जाए दूसरी तरफ की, तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि अरविंद कुमार सिंह जो कि मतलब आरजेडी को घेरते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, आप पहले ये देखें। टिकाऊ हो या ना हो, लेकिन राजद में टिकाऊ माल की जरूरत है, चाहे वो किसी तरह से खरीद फरोख्त हो, चाहे वो टिकट हो या जमीन हो, लेकिन पैसा लेकर के नौकरी देना, टिकट देना या घपले घोटाले कर लेना, अगर किसी से सीखना है तो राजद से सीखे, ये घोटाले का आइकॉन है। जी हाँ, तो जैसे कि आपने देखा अरविंद कुमार सिंह का कहना था आरजेडी वालों में टिकाऊ नहीं बिकाऊ चीज़ें होना ज़रूरी है। जी हाँ, कहीं ना कहीं आरजेडी को घेरे में लेते हुए अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि मतलब आरजेडी में या तो टिकट बिके या तो कुछ भी, मतलब बिकाओ वाला जो मामला है वो आरजेडी से संबंधित होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि इस तरह से जो मतलब खरीद फिरोख्त का जो काम किया जाता है आरजेडी में, तो उस पर मतलब देखने की वाली बात है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे भारत लाइव, मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।